बस एका करा दिया हमने और हो जाए हो गया। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट, इसके अलावा रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पे उपचुनाव हो रहा है। मैनपुर की सीट समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन की वजह से खाली हुई है। इस बार वहां से अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी और मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू चुनाव मैदान में हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के शिष्य रहे रघुराज सिंह साक्य को चुनाव मैदान में उतार करके मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। बहुत ही भीषण संघर्ष हो रहा है इस बार, इसलिए सबकी नज़रें मैनपुरी पर लगी है कि क्या बीजेपी मुलायम सिंह यादव के गढ़ को भेद देगी या वो अपने गढ़ को उनके बेटे बहू बचा ले जाएंगे। इसी में जो चाचा शिवपाल यादव हैं, उनसे अखिलेश यादव के मतभेद जग जाहिर हैं। नामांकन के समय वो आए नहीं थे क्योंकि उनसे सलाह नहीं ली गई थी, जैसा उनका कहना था, और काफ़ी खींचतान चलती रही। लेकिन परिवार के लोग बीच में आए और कहा ये जा रहा है कि शिवपाल और अखिलेश में समझौता हो गया है। अखिलेश यादव दो दिन पहले शिवपाल यादव के घर पर पहुंचे थे, जिसमें चाची और डिंपल यादव की अहम भूमिका रही समझौता कराने में। और उसके बाद शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि बहू डिंपल यादव को जिताने में लग जाइए, जोर शोर से जुटिए। इसमें इस बार के चुनाव मैदान की खास बात यह है कि जो राजनीति में है, चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र यादव के पिता अभय राम यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव से छोटे हैं, वो भी बहू डिंपल के लिए प्रचार कर रहे हैं। नामांकन में भी पहुंचे थे और अब लोगों से वोट भी मांग रहे हैं। गाँव के गवई हैं, ठेठ अंदाज में बात करते हैं, सीधा सपाट बात करते हैं, बिना लाग लपेट के बात करते हैं। और जब ये मतभेद बढ़ चला था शिवपाल यादव अखिलेश यादव का, तब उन्होंने शिवपाल यादव को बुला करके समझाया भी था और उसके बाद ही दोनों चाचा भतीजा समझौते की राह पे चले थे। वैसे एका करा दिया हमने और हो जाए हो गया। यानी कि तीन पीढ़ी एक साथ प्रचार कर रही है। मुलायम सिंह यादव के टाइम में भी तीन पीढ़ी प्रचार करती थी, क्योंकि तेज प्रताप यादव जो है तीसरी पीढ़ी के हो जाते हैं, रतन सिंह यादव उनके दादा थे, रणवीर सिंह यादव उनके पिता थे, और तेज प्रताप यादव जो एक बार मैनपुरी के का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वो उनके पोते हैं। तो इस लिहाज से वो तीसरी पीढ़ी के, अखिलेश यादव धर्मेंद्र यादव दूसरी पीढ़ी के हो गए, शिवपाल यादव और अभय राम यादव अब जो है पहली पीढ़ी के हो गए। तो तीन पीढ़ियाँ एक साथ प्रचार कर रही है। और जो अभय राम यादव कभी राजनीति में नहीं आए, राजनीति से उनका दूर दूर तक लेना नहीं देना नहीं, वो भी अभय राम यादव मैदान में आ गए हैं बहू को जिताने के लिए। वजह इसकी ये है कि मैनपुरी लोकसभा सीट में 5 विधानसभा की सीटें शामिल है, मैनपुरी, भोगांव, किसनी, जसवंत नगर और करहल। जसवंत नगर से शिवपाल यादव विधायक हैं, करहल से अखिलेश यादव विधायक हैं, और किसनी भी इन्हीं के कब्जे में है। दूसरी तरफ बीजेपी के कब्जे में जो है 2 सीटें हैं, मैनपुरी से जयवीर सिंह जो मंत्री हैं वो विधायक हैं, और जो भोगांव है वहाँ से जो राम नरेश अग्निहोत्री विधायक हैं। यानी कि 2 सीटें विधानसभा की बीजेपी के कब्जे में है, 3 सीटें समाजवादी पार्टी के कब्जे में है। लेकिन जहां से समाजवादी पार्टी के ज़्यादा मतों से जीत होती है वो जसवंत नगर और करहल है, और पूरा दारोमदार जसवंत नगर और करहल पे है। यही वजह है कि अखिलेश यादव चाचा शिवपाल यादव को जो है मनाने के लिए मजबूर हो गए, और शिवपाल यादव भी मानने के इसलिए मजबूर हो गए क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने उनको ये समझाया कि ये मौका फिर नहीं आएगा। अभी मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है, ऐसे में परिवार यदि बिखरा तो इसका दूर तलक संदेश जाएगा, बात को समझिए। लिहाजा शिवपाल यादव भी फिलहाल तो मान गए हैं। ये बात अलग है कि दोनों की बातचीत के बाद दोनों ने ही ट्वीट किया अपने अपने अंदाज में, खुल के कुछ नहीं कहा और न ही मीडिया के सामने आए। तो ये भी बात कही जा रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी कुछ बातों पे पूरा क्लियर नहीं हुआ है, इसीलिए कोई पक्ष खुल के नहीं बोल रहा है। ना शिवपाल यादव बोल रहे हैं, ना अखिलेश बोल रहे हैं। क्या ये समझौता इसी चुनाव तक रहेगा, ये सब देखने वाली बात होगी। क्योंकि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में जो मतभेद है वो 2016 से चला रहा है, और वर्चस्व की लड़ाई दोनों लड़ रहे थे। वर्चस्व की लड़ाई में अखिलेश यादव जीत गए और पिता की का वारिस बने समाजवादी पार्टी, उन्होंने एक तरह से उनका उस पर वर्चस्व हो गया, वो अध्यक्ष बन गए, पिता को संरक्षक बना दिया। शिवपाल यादव से जो प्रदेश अध्यक्ष का पद था वो पहले ही ले लिया था,
शिवपाल यादव अब अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, वो हिस्सेदारी अखिलेश यादव देना नहीं चाहते थे, लेकिन बहू डिंपल यादव के चुनाव में दोनों साथ साथ बैठ करके बात करने को मजबूर हुए। अब आगे देखने वाली बात यह है कि कब खुल करके दोनों बात करते हैं और इस चुनाव के बाद शिवपाल यादव को क्या जिम्मेदारी मिलती है, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक होशियारी ये की है कि शिवपाल यादव के साथ समझौता वार्ता में उनके बेटे आदित्य यादव भी बैठे थे, इधर से अखिलेश यादव और डिंपल यादव बैठी थी, तो आदित्य यादव को जसवंत नगर और करहल की जिम्मेदारी दे दी अखिलेश यादव ने कि अब यहाँ पर चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालिए और अपनी अभी को जिताइए। देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल खास बात यह है कि अभय राम यादव भी इस चुनाव मैदान में बहू के लिए प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इनका। थैंक यू।